तो नहीं कर सकते। भारत माता कहां से आ गई? हमारे लिए भारत एक देश है जिसे हम प्रेम करते हैं, हम मां नहीं मानते। तुम्हारी क्या हैसियत है? तेरी क्या, तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन नहीं रहेगा? तेरा क्या औकात है? दो कौड़ी के आदमी, दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहो। नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, समझे? शब्दों का उच्चारण आप भी ठीक करें, और मेरा निवेदन है शदाब जी भी शब्दों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं, ये गाली खाने लायक लोग हैं। भारत डियर फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कुछ नेशनलिस्ट मुस्लिम को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। धमकी मिल रही है या मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ठीक है शादाब चौहान, गलत क्या किया इन्होंने बताइए ना 20 सेकंड के अंदर। हाँ, मैं तो कह रहा हूं भैया से कि आज इनका एक आइडियोलॉजिकल भाई ने वो तिवारी को त्यागी बना है, जाकर के मंदिर में कोई वसीम रिजवी नाम है जोकर ये भी कर ले जाके। कौन मना कर रहा भैया? संविधान है, लेकिन इस्लामी अगर मुसलमान रहना होगा तो हमारे इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम ने जो जिस चीज की इजाजत नहीं दी वो नहीं करते थे। भारत माता कहां से आ गई? हमारे लिए भारत एक देश है जिसे हम प्रेम करते हैं, हम मां नहीं मानते। जी शादाब जी, क्या जय जय श्री राम बोलने पे आपको आपत्ति है, इजाजत नहीं है? क्या जय जय नेहरू बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय भीम बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय लोहिए बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय जय अखिलेश करने में आपको आपत्ति नहीं है? अरे भैया, राम राम तो शांति का नाम है। मेरे भाई, अरे आप सुन लीजिए, आप मर्यादा पुरुष श्री राम की जिस का नाम ले रहे हैं, तो आप जिस गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगे जल रहे थे, वो गृह मंत्री जी कुछ नहीं किए, आप उनको राम की विचारधारा वाला बताते हैं? आप जिस नफरत के समुद्र में डूब करके रिजवी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर मतलब पाएंगे। आप कह रहे हैं कि इनको भी मुसलमान धर्म से निकल जाना चाहिए, सबको जाना। आप कह रहे हैं कि इनको भी इस्लाम से, आप कौन होते हैं इनको इस्लाम से निकालने वाले? मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, एक सच्चा मुसलमान हूँ, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, झूठे और सच्चे हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। सच्चा मुसलमान बीजेपी के एजेंडे में कूदकर इस तरह की हरकत नहीं करेगा जो इस्लाम के खिलाफ होगी, और संविधान इजाजत देता है जो चाहे आप करिए। कौन मना कर रहा है? इस्लाम में कहां लिखा है कि बीजेपी के खिलाफ जो रहेगा वो सच्चा मुसलमान है? ये क्या बोल दिया आपने? क्या समाजवादी एक इस्लामिक जमात है? मेरी बात सुनिए आप जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक दंगा आप साबित कर दें, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया, कि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगा किया। अरे छोटे योगी जी सुनिए मेरी बात को जी, छोटे योगी जी सुनिए, उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों को हेड इंजरी करके मारा गया है, एनकाउंटर्स के नाम पे अत्याचार मतलब हुआ है, भड़का रहे, किसानों को मरने पर मजबूर किया गया है, महिलाओं की इज्जतें लूटी है, और आपको नजर नहीं आता है? मुसलमान नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। अगर आप मुसलमान हो तो बताओ, शहादत बाबरी मस्जिद का गम है या नहीं? शहादत बाबरी मस्जिद का दुख है या नहीं? बताओ मुझे आप। आज चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर मुसलमान हो बताओ क्या बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दुख है या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम उलमा इकराम ने, तमाम हाकिमीन ने, और आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं या नहीं? लेकिन शादाब चौहान, आज आपने बातों में बड़ी बात कह दी, और मैं मुझे तो कुरान की बहुत बड़ी जानकारी है नहीं, लेकिन रिजवान साहब मैं आपसे जाना चाहिए। ठीक है, अब आपने वक्त लिया, ठीक है, अब आपने एहसान, आपने भी अपनी बात को रखा। रिजवान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, कौम के नाम पर इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम इकट्ठे नहीं होंगे तो बीजेपी आ जाएगी। हमारा एक सी मकसद है, अब लोकतंत्र बचाना नहीं है, बीजेपी को हराना, योगी आदित्यनाथ को हराना मकसद है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोला गया है। अमीश भाई, जय हिंद वंदे मातरम, ये डिबेट का मौका नहीं रह गया है तो सीधे मैं अपनी बात पर आ जाऊं। ये पैनल पे ये कौन लौंडा है शादाब? क्या औकात है इसकी जो ये बोल रहा है कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन इस्लाम के बाहर रहेगा? अरे तुम हो कौन बेटा?
तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तेरा क्या औकात है? दो कौड़ी के आदमी, दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहो। नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, समझे? जो तू बोल रहा है पांच वक्त नमाजी को कि तू मुसलमान नहीं है, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अभी अभी पूरी दाढ़ी निकली नहीं, पूरी तेरी मूछें निकली नहीं, और तू बकवास कर रहे नेशनल टीवी पर बैठकर। बाप होता अपनी औकात में रहे, समझे ना? समझे? तुम जैसों का इलाज करना, अपनी औकात में रहे बेटा, और समझा तो हमारे जूते। ये डिबेट का मौका नहीं है, अपनी हैसियत में रहे। तुझे जूते की नोक पर रखते हैं मुसलमान, जूते की नोक पर। अबे तेरी मूछें अभी निकली नहीं, दो कौड़ी का आदमी। देखिए रिजवान, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन शब्दों का उच्चारण आप भी ठीक करें, और मेरा निवेदन है शदाब जी भी शब्दों का उच्चारण। शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं, ये गाली खाने लायक लोग हैं, ये गाली खाने लायक लोग हैं, इनको जूतों से चढ़ा कर खड़ा करके मानना चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वायलेंस की बात आई डोंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।